الله أكبر لله الحمد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको जी ईद मुबारक। हसनैन, आपकी तरफ से जी ईद मुबारक। तैयार नहीं हुए अभी तक? अभी बस अभी आपको तैयार होके अब मिलते हैं, क्योंकि टाइम रह गया बहुत थोड़ा नमाज में। अब मैं भी ऊपर जाके नहाने लगा हूँ, नहा के कपड़े वगैरह बदल के फिर मिलते हैं आपको दोबारा जी। मैं इस टाइम हो गया हूँ फुल रेडी, फाइनल तैयार, क्योंकि नमाज में रह गए बिल्कुल थोड़ा टाइम, कोई 5 से 10 मिनट। तो मस्जिद में जाके पहले जगह बनाते हैं अपनी। सुबह की हालत बड़ी ख़राब थी, क्योंकि पूरी रात हम लोग बाहर ही रहे हैं, गली में घर आए नहीं, जानवरों वगैरह के बस बैठे रहे। तो अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ मैं, और मेरे साथ है हसन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हसन? ठीक हो? हो गए तैयार? फिर चले, चलो अब हम जा रहे हैं जी नमाज पढ़ने, मस्जिद चलते हैं। वहाँ चल के आ गई, बकरा बैठा हुआ था। ये डरता है बकरों से? मैं नहीं डरता, अब देख लिया ये डरता है। हसनैन भी आ गया सामने। हसनैन हो गए हो तैयार? वालेकुम अस्सलाम। हसनैन और मेरा मैच हो गए हैं कपड़े आज। मैं चले। हाँ, क्या हाल है आपका? ठीक हो यूसुफ? ये छोटा भाई हमारा कराची से मेहमान आया है। हसनैन को भी चीज़ याद आ गई, गाड़ी टूट गई। चल जानवरों वगैरह का जी आज आखिरी दिन है, आज इन्होंने सुबह हो जाना है। माशाल्लाह वहाँ पे भी आगे भी जानवर हैं, माशाल्लाह जी यहाँ भी कुर्बानी है। ये भी बहुत खूबसूरत जानवर, साहिवाल नस्ल के 2 बच्चे हैं इनके। माशाल्लाह ये भी कुर्बान होने, ये डरते बहुत हैं, मारने लग जाते हैं गुस्से से, फूल गुस्से से देख रहे हैं। ये भी जोड़ी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और वो सामने बकरे। आज सारों ने जी कुर्बान हो जाना अल्लाह की राह में, अल्लाह पाक सारों की कुर्बानी को कबूल फरमाए जी। ईद की नमाज पढ़ के जी हम आ गए हैं, इस टाइम अब नाश्ता करने मैं और मेरा दोस्त है ना। सलमान, क्या हाल है? ठीक हो? ये साथ कौन आया है? नाश्ता करके आपको मिलते हैं जी, फिर वापसी टाउन में जाते हैं, जानवर सुबह होते देखते हैं। हैं देखने काफी टाइम से इंतजार हो रहा था, अब बकरा होने लगा सुबह। साइड पे जा बस, इतने नहीं फ्री होना। फाइनली बकरा हो गया है ज़िबा, और मुझे अभी रस्सी दे के ऊपर भेजा है कि जाके टेरेस से रस्सी बांध, यहाँ से रस्सी बांधूंगा, क्योंकि इसके साथ फिर उसको लटकाना है। इस तरह से लटकाएंगे नीचे, वो रहा इस तरह करके रस्सी बांध के, फिर मैं नीचे चलता हूँ। और नीचे चल के फिर आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वरना वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। मिलते हैं। अब इसकी बारी आ गई जी ज़िबाने की। आ जा सर, बाहर दरवाजा बंद कर दो जी। अभी थोड़ी देर रुक गई है भाई, इसकी बारी अभी थोड़ी देर बाद आएगी। भाई अभी हम अपने एक दोस्त के साथ करने लगे हैं प्रैंक, टक्कन के साथ उसको एक चिचड़ा मारूंगा उसके मुंह पे। चलो ठीक है संतु, कर रहे हमारा हिस्सा भी है कि नहीं? अच्छा मेरी तो बात सुनो, हमारा हिस्सा भी है कि नहीं? कोई भाई हो गया, माफी मांगी है बच्चे को, छोड़ दी है भाई, हमारा भी हिस्सा आएगा कि नहीं? माफी मांगी है तो इसको छोड़ा, वरना इसको छोड़ना, गंदी चर्बी इस पे मार गई।
बकरे की भी, ये बगले बकरे की कुर्बानी आ गई है। ये इसको अब छुरी फेरने लगे, सिबा करने लगे हैं। जी हो गया हमारा ज़िबा, गोश्त वगैरह बन रहा है इसका। इस टाइम गोश्त बन रहा है, अबू बातें कर रहे हैं और बाहर हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बच्चा ज़िबा आने लगा। देखें क्या करते हैं, मुझे तो लगता है तंग करें। सो जी हम फाइनली इस टाइम हो गए हैं बिल्कुल फारिग, सारा काम वगैरह हो गया, बकरे वगैरह ज़िबा करके गोश्त वगैरह उसका बांट बूट दी है। और ये अभी तक रस्सी इधर ही लटकी हुई, इधर सफाई सफुई भी करवा दी है, सारी धो दी है जगह, क्योंकि खून की ना बहुत स्मेल आने लग जाती है। बाकी अल्लाह बाकी सारों की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ईद का पहला दिन हमारा आपको कैसा लगा जी? मैं आप सोने लगा क्योंकि मैं दो दिन से जाग रहा था। और मिलते हैं आपको फिर इंशाल्लाह कल, कल जरा अच्छा सा दिन गुजरेगा। अभी मैं फ़िलहाल अब सोने लगा हूँ, आज के व्लॉग को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।